अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ तैमूर तौसीन, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एग्जांपल है। ऐसे सेल्स या ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करें कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। इसकी हम कंस्ट्रक्शन अगर देखें, इसकी बनावट या इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो इसमें हमारे पास एक बीकर होगा, ठीक है। ये बीकर है, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जो मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, यानी वो चार्जेस या आयंस की सूरत में सॉल्यूशन में होगा। तो हमारे पास यहाँ पे M प्लस होंगे और X नेगेटिव होंगे, ठीक है। X नेगेटिव शो कर रहे हैं आयंस को, एम पॉजिटिव शो कर रहे हैं कैटायंस को। इसके अलावा हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड ऐसे इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकें। इनर्ट होते हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ना उनको कोई नुकसान होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। उन दो इलेक्ट्रोड में से एक को हम एनोड कहते हैं, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरे को हम कैथोड कहेंगे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगाएंगे और इसको अटैच कर देंगे इन इलेक्ट्रोड्स के साथ। बैटरी लगाएंगे, छोटा सा सेल लगाएंगे और उसको अटैच कर देंगे इनके साथ एक वायर के ज़रिए, एक तार के ज़रिए। नेगेटिव साइड को नेगेटिव साइड के साथ और पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड के साथ ही हम लगाएंगे। पॉजिटिव हमारे पास एनोड है, नेगेटिव हमारे पास कैथोड है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, एक बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे, मूव करने के नतीजे में क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, तो इसके ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो क्या होगा, जो आयंस एनायंस जो होंगे वो ट्रैवल करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और एनायंस पे नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ पे जाके क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे, किसको, एनोड को दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कैटाइन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, कैथोइन विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू कैथोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और रिडक्शन का जो प्रोसेस है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो था रिडक्शन, तो रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो होगा कैथोड पे। इस तरीके से हम
सॉल्यूशन से प्योर मेटल वो हासिल कर सकते हैं, गैस बन जाएगी, ये प्योर मेटल बन जाएगा साल्ट से, और जो एनाइल्स होंगे वो गैस की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। फिर यूजेज हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के, इसी का सब टॉपिक है यूजेज। इसके कुछ यूजेज भी हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के, अभी मैंने एक बताया है कि हम मेटल को, प्योर मेटल को सॉल्यूशन से हासिल कर सकते हैं। डाउन सेल इज़ यूज फॉर दी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल हम बना लेंगे। नंबर वन, सोडियम मेटल किससे? डाउन सेल से, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, डाउन सेल को हम डिस्कस करेंगे और क्लोरीन गैस बना ली जाएगी। इसी तरह से नेल्सन सेल, एक और सेल हमारे पास होता है नेल्सन सेल, नेल्सन सेल ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल के साथ। नेल्सन सेल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए नेल्सन सेल इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स, अगर हम सोडियम को तैयार कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स से तो दूसरे मेटल्स लाइक सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं, ओर से कोई भी ओर है हमारे पास, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है उससे प्योर फॉर्म ऑफ मेटल फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम एलुमिनियम वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। फिर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर, किसी भी दूसरी और चीज़ को अगर एलुमिनियम को कर सकते हैं तो कॉपर को भी कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? किसी भी नोबल मेटल की या अच्छे मेटल की कवरिंग किसी दूसरे मेटल पे कर दी जाए, यानी आपके पास शीट है, एक लोहे की शीट है, उसको आपने कलर करना है सोने का या कॉपर का, उसके ऊपर आप उसकी तह लगाना चाहते हैं, कवरिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज टू प्रिपेयर एनोडाइज्ड एल्युमिनियम कैन एब्जॉर्ब डाइज्ड। उसके अलावा हम एनोडाइज्ड एल्युमिनियम, सबसे अहम इसका जो यूज है एनोडाइज्ड एल्युमिनियम, जो कि डाइज जो रंग वगैरह हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल की जाती है, वो बनाने के काम आ सकता है। डाइंग ऑफ एनोडाइज एल्युमिनियम कैन प्रोड्यूस मेटेलिक रेड, मेटेलिक ब्लू और अदर मेटेलिक कलर्स ऑन द मेटल सरफेस। एनोडाइज एल्युमिनियम एक प्रोसेस है, वो हम बना लेते हैं और ये मुख्तलिफ डाइज मुख्तलिफ तरीके से जब हम बनाएंगे तो मुख्तलिफ कलर हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, उसमें हमारे पास रेड भी प्रोड्यूस हो सकता है, ब्लू भी और दूसरे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोसेस है मुख्तलिफ किस्म के कलर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स ऑल।